पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर, क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को बांसगांव के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में जनसभा में भाग लिया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आज़ादी का क्षेत्र रहा है। यहाँ से भाजपा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की है, लेकिन यहाँ के सांसद ने केवल अपना विकास किया है। 3 बार भाजपा के सांसद रहे, लेकिन कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। इस बार आप लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद को मौका देकर देखिए। उन्होंने चौरी चौरा का जिक्र करते हुए मदन मोहन मालवीय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संघ की विचारधारा है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। भाजपा वाले व PM मोदी 400 का नारा दे रहे हैं, हमें डर लग रहा है कहीं भाजपा वाले 600 पार का नारा ना दे दें। उन्होंने कहा भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, भाजपा केवल पूंजीपतियों की पार्टी है। 4 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे भाजपा की हवा उड़ी हुई है। वहीं इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार में केवल पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारों के साथ छल हो रहा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद को वोट देने की लोगों से अपील की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस समय 5 गुना देश में कर्जा बढ़ाया है, तो बताइए ऐसी सरकार हर मोर्चे पर जो फेल हुई हो और जनता को जो परेशानियां ही परेशानियां देने का काम किया है, तो अब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथ, हाथ का पंजा, तो पंजे का बटन दबा करके जिताने का काम करेंगे। बताइए यहाँ हम सभी समाजवादी पार्टी के सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, अब की बार इस चुनाव में सब लोग एक होकर के, बताओ सब लोग एक होंगे, बताओ एक होकर के सभी लोग, और हमारी अपील है और हमारा निवेदन है कि सब लोग इस चुनाव में घर घर जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद को चुनाव चिन्ह पंजा के लिए वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त कराने का काम। सीटें 70 सीटें हम जीतेंगे, लोग बोलेंगे ये कैसा होता, अरे हमारे गठबंधन में तो इतने लोग हैं, हर एक की बात सुनने वाले लोग हैं, तो इसीलिए हमारा गठबंधन जब तक मजबूत है, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में हम मिलकर काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट लाकर हम जीतेंगे और बीजेपी को, मोदी जी को हम सत्ता से आने से रोकेंगे। ये हमारा एक मंशा है और उसको सब तरफ सपोर्ट मिल रहा है। अब जितने भी 4 टप्पे के इलेक्शन हो गए, हर जगह ये हमारे को इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इस बार गठबंधन को लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने वाले हैं, इसीलिए वो लोग जनपद में तहसील सदर से लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक की टीम को रवाना किया गया है, जिसके संबंध में शहर विधानसभा के सह प्रभारी अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि शहर विधानसभा में SDM सदर के निर्देश
के अनुसार लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक, रैलियां व वीडियो के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 6 जगहों पर नुक्कड़ नाटक कलाकार की टीम को तहसील सदर से रवाना किया जा रहा है, जो कि विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी, जिसमें नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा असुरन चौराहा, धर्मशाला चौराहा, कौआबाग पुलिस चौकी के सामने नुक्कड़ नाटक करके लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। हम गोरखपुर के नागरिकों से अपील करते हैं कि कहीं भी रहें लेकिन 1 जून को मतदान करने जरूर जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहर विधानसभा के सह प्रभारी अभिषेक कुमार पांडे ने कहा, शहर विधानसभा प्रभारी 322 सहायक निर्वाचन अधिकारी हमारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदया के निर्देश के क्रम में निर्देश किया, ये महामेला जो पर्व लग रहा है 1 जून को, उसमें जागरूकता मतदाताओं के बीच में फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक, रैलियां, वीडियो के माध्यम से हम लोग अपनी जागरूकता को फैला रहे हैं, जिसमें आज हमारा प्रतिदिन, आज से यह नुक्कड़ नाटक अभियान शुरू हो रहा है, प्रतिदिन 6 जगहों पर हमारे नुक्कड़ नाटक कलाकार की टीम, हमारे हल्का लेखपाल, आज प्रथम दिन है श्री रत्नेश सिंह जी हैं हमारे हल्का लेखपाल, आज इनके वहाँ से जिसका शुभारंभ हो रहा है धर्मपुर तिराहे पर, असुरन पुलिस चौकी से 10 कदम आगे मंदिर पर, धर्मशाला चौराहा पर और कौआबाग पुलिस चौकी के ठीक सामने, इस तरह से कुल 6 स्थानों पर आज मतदाता जागरूकता अभियान का अभियान शुरू होगा। और हम गोरखपुर के सभी नागरिकों से यह अपील करते हैं कि 1 जून को कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, शहर में आए, अपने बूथ पर जाकर के अपने मत का प्रयोग करें, जिससे हमारा गोरखपुर 100% मतदान कर सके। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है, मैं शहर विधानसभा सह प्रभारी यहाँ संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत हूँ। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ पीठ में बुधवार को योग प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्याख्यान योग का आजीविका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान योग करने वाले छात्र व छात्राओं को गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन द्वारा प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके संबंध में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के द्वारा एक बच्चों का वर्कशॉप किया गया, जिसमें बच्चों ने योग पर अच्छी प्रस्तुति की है, यह हमारी शोधपीठ के लिए भी अच्छा है, जिनमें समाज के लोग आते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इस कार्यक्रम पर भाग लेने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, वर्कशॉप थी, बच्चों को सम्मानित करा गया, कम्पटीशन मिला और बहुत अच्छी प्रेरणादायक है बच्चों के लिए और हमारी शोधपेट के लिए भी अच्छा है कि समाज के लोग आते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है कि इस कॉलेज के बच्चे आए, यहाँ आए, बहुत अच्छा। और सभी को शुभकामनाएं जितने विजेता थे और जिन्होंने पार्टिसिपेट करा उनको भी शुभकामनाएं। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आईटीएम गीडा के 4 प्रतिभाशाली छात्रों ने एक एआई वोटिंग मशीन का निर्माण किया है, जो फर्जी वोट डालने वाले को 440 वोल्ट का करंट का झटका लगेगा। इस उपकरण को भविष्य के लिए चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आईटीएम गीडा के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बीए एलएलबी के छात्रों ने शहादत अली, सुमेगा मिश्रा, रौनक गुप्ता और निखिल गुप्ता ने मिलकर इसे कॉलेज की इनोवेशन लैब में मात्र 20 दिनों में तैयार किया है। इस वोटिंग मशीन की विशेषता यह है कि यह बैलेट पेपर के साथ साथ फिंगरप्रिंट आधारित पहचान प्रणाली पर काम करती है, जिसमें एक व्यक्ति केवल एक बार ही अपने पसंदीदा प्रतिनिधि के लिए मतदान कर सकता है। यदि कोई दोबारा फर्जी वोट डालने का प्रयास करता है तो फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज अलर्ट के साथ उसे 440 वोल्ट का करंट का झटका देगा। इसके अलावा इस वोटिंग मशीन में एक वायरलेस सुरक्षा प्रणाली भी शामिल है, जो बैलेट बॉक्स के अंदर रखे गए वोटों की सुरक्षा स्वयं करती है। यदि मशीन को जबरन तोड़ने या छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है तो इससे स्वतः ही पुलिस और चुनाव अधिकारियों को सूचना मिल जाएगी।
जाएगी। आईटीएम गीडा के निदेशक डॉक्टर एन के सिंह ने बताया कि उनके संस्थान की इनोवेशन लैब में छात्र अपने अनूठे विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस एआई वोटिंग मशीन के प्रयोग से ईवीएम को लेकर लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी और चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगे। उनका प्रयास है कि सरकार के साथ मिलकर एआई वोटिंग मशीन का चुनाव में प्रयोग किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईटीएम कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एन के सिंह, बीएलएलबी विभाग की एचओडी डॉक्टर सरिता गुप्ता, छात्र रौनक कुमार गुप्ता, शहादत अली, छात्रा सुमिधा मिश्रा ने कहा, जो किसी भी तरीके का ईवीएम के मिसयूज को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होगी और सही और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बढ़ने के लिए काफ़ी उपयोगी मशीन साबित होगी। सर, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो ईवीएम मशीन से जुड़े जो बहुत सारी भ्रमात्मक बातें लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं, ये इसमें ऐसे सिस्टम्स डाले गए हैं कि अगर उनका उपयोग किया जाएगा तो निश्चित उनको लगेगा कि टेक्नोलॉजी हमें मदद कर रही है और किसी तरीके का भ्रम ईवीएम मशीन के साथ नहीं रखना है। सर, कितना समय लगा इसको बनाने में? 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय लगा है। बच्चों ने बड़े कारगर तरीके से इसको बना लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। हम उसको लिए काफ़ी जो टीचर्स ने सहयोग किया उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सर, क्या कभी भविष्य में सरकार के सहयोग से इसको लाया जाएगा उपयोग में चुनाव में? बिल्कुल लाया जाएगा, अगर सरकार और जो एजेंसीज हैं इसके लिए जिम्मेदार अगर वो मदद करती हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी इंक्लूड करने को बोलेंगे, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, हम प्रयास करेंगे उनको इंक्लूड करने का और निश्चित हमें सहयोग मिलेगा। हम इसको उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे जिससे जो भी भ्रम की स्थिति लोगों के लिए चर्चा में चल रही है वो उनका निराकरण किया जा सके और एक अच्छी और बढ़िया तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने वाली ईवीएम मशीन लोगों के सामने रखी जा सके। ये बच्चों ने ईवीएम मशीन बना रखी है ताकि इसका इनका बनाने के पीछे इनका उद्देश्य ये रहा है कि वोटिंग फेयर हो सके। इससे जितनी शिकायतें होती हैं कि फ्रॉड हो रहा है, दोबारा वोट पड़ रहा है या समय ज़्यादा हो रहा है, सरकार को इतना खर्च करना पड़ रहा है कि वोटिंग फेयर हो, इन सारी समस्याओं से निजात मिल जाए, इसका बच्चों ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। अच्छा, कितना टाइम लगा बनाने में? 20 से 22 दिन। कितने पैसे पर खर्च किए? यही 25,000 के लगभग। क्या नाम आपका? डॉक्टर सरिता गुप्ता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाया जिसका समय 20-22 दिन हम लोग को लग गया। इसमें हम लोग ने बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि रिले, एक इसमें सेंडर लगा है, दूसरा रिसीवर लगा है, डिजिटल मीटर लगा है और बहुत से अलार्म लगे हैं, स्विचेस लगे हैं, जिसका बहुत से प्रयोग किया गया है। इसका यूज़ यही है कि हमारे 2 मीटर्स रहेंगे जो कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के बेस पे। एक में सेंडर लगा है, दूसरे में रिसीवर लगा है। अगर हमारा एक वोट इसमें पड़ेगा तो दूसरे मीटर में भी काउंट होगा, जो मीटर हमारा अनलिमिटेड रेंज पे रहेगा। जो हेड ऑफिस अगर दिल्ली में है और हम वोट डाल रहे हैं गोरखपुर में तो यहाँ जो वोट पड़ेगा वो दिल्ली में काउंट होगा। अगर यहाँ कोई फ्रॉड करता है तो वो उस मीटर से फ्रॉड कर लेगा जो यहाँ गोरखपुर में रहेगा, लेकिन जो दिल्ली में मीटर रहेगा उससे वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर मेरा वोट सेव हो रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है और कितना लोगों को फ़ायदा मिलेगा? उसका उद्देश्य यही है कि जब हमें फ्रॉड ही नहीं कर पाएंगे, और हमने 2 टेक्नोलॉजी बनाई, एक बैलेट पेपर के थ्रू और एक ईवीएम डिजिटली फिंगरप्रिंट के थ्रू, जिसमें हमारा आधार कार्ड का डेटा सेव रहेगा। हमारे आधार कार्ड में 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट मैच रहते हैं और सेव रहते हैं। अगर हम एक बार अपना फिंगरप्रिंट लगाएं और मशीन को ओपन करके वोट दिए, फिर दोबारा अगर आके अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो हमें 440 वोल्ट का झटका लगेगा जिसकी चेतावनी पहले दे दी जाएगी। इससे हमारा ये फायदा रहेगा कि जो हमारा दिल्ली में मीटर है उसमें वोट नहीं चोरी हो पाएगा, वो हमारा सेव रहेगा। कोई भी बूथ कैप्चरिंग होती है, फेक वोट डालता है तो वो डाल ले, हमारा डाटा सेव रहेगा। दूसरा, ये इसमें अलार्म लगा रहेगा जो अगर कैप्चरिंग करता है तो फिर दिल्ली में पता चल जाएगा। CRPF और बहुत से पुलिस वालों की एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पोस्टिंग होती है, इतना खर्चा होता है, वो खर्चा बचेगा, उस खर्चे को हम अपनी बेरोजगारी और शिक्षा दीक्षा में लगा सकेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शहादत अली है। सर, इसमें हमारा 20 से 22 दिन लगे हुए बनाने में इस मशीन को, और इस सर इसका बेनिफिट ये है कि हम अपनी गवर्नमेंट का पैसा और इस टाइम को सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि इससे हम फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, और अगर फ्रॉड करते भी हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रिक मशीन को यूज़ किया है जिसमें अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। क्या क्या उपयोग किया गया? सर, इसमें IR सेंसर, कैलकुलेटर और रिसीवर, रिले, सर बहुत सारे गैजेट्स का यूज़ हुआ है। क्या भविष्य में सरकार के सहयोग से इसको लाया जाएगा? हाँ सर, ज़रूर।
क्योंकि सर इस पे अपना हम बहुत सारा हार्डवर्क दिए हुए हैं और सर इसी के लिए दिए हैं कि हम सरकार तक इस मशीन को पहुंचा सके। सर ये जैसा कि हम जानते हैं हमारे वहाँ आम चुनाव जो होता है बैलेट पेपर से होता है, तो उसमें एक सामान्य पेपर और एक सामान्य बॉक्स होता है, तो हमने उसमें बदलाव करते हुए कुछ एक रिसीवर लगाया है और एक ट्रांसमीटर लगाया है, जो जब हम बैलेट पेपर से वोट करेंगे तो हमारा वोट हमारे हेडक्वार्टर में रखे हुए रिसीवर पे काउंट होगा, तो इससे हम फ्रॉड होने से बचेंगे। और सबसे बड़ी बात सर इसमें यह है कि ये पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इससे हमारे सरकार का समय और पैसे का बचत होगा। कितना टाइम लगा बनाने में? सर इसे बनाने में कम से कम 20 से 22 दिन का समय लगा है। कितना खर्चा आया? सर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये में इस पर खर्च आया है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रौनक। जनपद में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की बुधवार को पर्चों की जांच की गई। आपको बता दें कि गोरखपुर सदर लोकसभा से कुल 32 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें से 19 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया, जिसमें से 13 प्रत्याशी का पर्चा वैध पाया गया। वहीं बांसगांव लोकसभा से कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें से 8 प्रत्याशियों के पर्चा वैध पाया गया और 3 का पर्चा खारिज हो गया। 16 मई व 17 मई को पर्चों की वापसी होगी, जो कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगी। यदि कोई प्रत्याशी पर्चा वापस करना चाहता है तो वो 17 मई तक वापस कर सकता है।